और वो है एनएचपीसी पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं और कह रहे हैं लोग कि एनएचपीसी में अभी क्या करना चाहिए। आईआरबी हुआ, जीएमआर हुआ, या फिर ये अब ये एनएचपीसी हुआ, ये वो शेयर हैं जो कि लोगों को काफ़ी थका रहे हैं अभी। और कितना वेट करना पड़ेगा सर एनएचपीसी में? देखिए, अगर आप एनएचपीसी को देखिए तो बिल्कुल यहाँ पर एक वीकनेस तो है, नो डाउट। उस पर कोई दो राय नहीं है कि आपको एक बड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी सस्टेन कर रहा है, बहुत ज्यादा गिरावट स्टॉक में नहीं है। मुझे लगता है 73 से 75 रुपए का जो भाव है, ये इसका बहुत अच्छा डिमांड जोन है। ये जोन को स्टॉक बहुत आसानी से नहीं तोड़ेगा। तो आप मान के चलिए 73 रुपया नीचे और 90 रुपया ऊपर, ये वो जोन है जो इसका पूरा कंसोलिडेशन जोन है। कोई भी पुल बैक आएगा तो 90 रुपए तक जाएगा। अगर आपको कहीं डिप में मिले 73 75 पर, तो आप खरीदिए, 91 रुपए तक लेकर के जाएगा। अगर 91 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाए 2 4 दिन, तब ये आपको एक अच्छी अपर ट्रेजरी में दिखाई देगा। तब आपको पुल बैक 117 120 तक देखने को मिलेगा। वीक नहीं है, मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए।